ही इन परिस्थितियों में ऐसे सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सदियों से हमारी संस्कृति सहिष्णु रही है, पूरे विश्व को हर तरह के मत मतांतरों को मानने वालों को अपने साथ एकाकार करती रही है, लेकिन हमेशा हम छले गए, हमेशा हम ठगे गए। वर्षों मुगलों की गुलामी रही, फिर अंग्रेजों की गुलामी रही, और आज़ादी मिली तो ऐसा लगा कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन ये एक सिर्फ बोलने वाली ही आज़ादी रही है, क्योंकि आज भी हिंदू आज़ाद नहीं है। आप कहेंगे ऐसे शब्द हम क्यों कह रहे हैं? जिस देश जहां पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक ही देश है, और उस देश में भी वहीं के तथाकथित लोग आज भी ये फर्क कर रहे हो कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है, तो किसी पुरुष से पुरुषत्व अलग कैसे कर सकते हैं? आप कहें कि आप बहुत बढ़िया पुरुष हैं, लेकिन आपके अंदर पुरुषत्व नहीं है। हम पुरुष को मानते हैं लेकिन पुरुषत्व के पक्षधर नहीं है। हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। अगर ऐसा कोई कहे तो कितना बड़ा नादान होगा। कोई कहे कि ये माता सती है लेकिन इसके पास सतीत्व नहीं है। कोई कहे कि शिव भगवान है, इनके अंदर शिवत्व नहीं है, और ये व्यक्ति है इसके अंदर व्यक्तित्व नहीं है, और हिंदू है अगर हिंदुत्व ना हो तो कैसा हिंदू, अगर प्रभु है प्रभुत्व ना हो तो कैसा प्रभु। हिंदुत्व हमारा आचरण है, हिंदुत्व हमारा व्यक्तित्व है, हिंदुत्व हमारी आत्मा है, हिंदू हमारा स्वरूप है, हिंदू हमारा स्वरूप है, और हमारा स्वभाव हिंदुत्व है। हमारे स्वरूप से कोई हमारा स्वभाव अलग नहीं कर सकता। और आज जहां जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, संप्रदायों की बात तो छोड़ दीजिए, अभी एक केवल हिंदू के अंदर ही बात करें तो राजनेताओं ने हमें इतना कुंठित कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि पूरी दुनिया में हिंदू से बड़ा अल्पसंख्यक समाज और कोई नहीं है। कोई दलित है तो कोई कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, सब हिंदू क्यों नहीं है? अब इतना ख्याल रख लें। हम तो इसमें विश्वास रखते हैं। नागपुर में भी एक सभा हुई थी, हमने पूरे विश्व के समस्त भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के संदर्भ में भारत के 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य की बात को रखा था। निश्चित ही भारत का भविष्य उज्जवल है। ये जो सदी है, नई सदी, पूरी दुनिया में जगतगुरु की सदी है, भारत की सदी है। हम कहते हैं कि भगवान आ गए तो श्री राम भी दिए हैं, हमने दधीचि बनकर निज प्राण भी दिए हैं, देवत्व को बचाने संघर्ष भी किए हैं। लेकिन आज समस्या ये है कि हम कहते रहते हैं कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन मिट गए इंडोनेशिया से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिट गए अफ्रीका से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिट गए नेपाल से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मॉरिशस से मिटने वाले हैं। मॉरिशस की स्थिति इतनी खराब है क्योंकि हमारा आश्रम में हमें रहना पड़ता है। तो बात है कि हस्ती नहीं मिटेगी, लेकिन एक होना पड़ेगा। आज इस भारत में जहां भाजपा की सरकार है, इस कंडीशन में भी बिहार जैसे प्रदेश में मंदिरों पे 4% टैक्स लग रहे हैं, 86 करोड़ रुपए मदरसों और मस्जिदों को अनुदान दिया जाता है, और जो भी घर में भी अगर मंदिर बनाए आप तो उस पे भी आपको 4% टैक्स देना पड़ेगा। और कहा यह जाता है कि ये कानून 1950 से चला आ रहा है, तो देश के कानून देश की जनता के लिए होते हैं और उनके बर्बाद करने के लिए नहीं होते। ये कानून मदरसों पे क्यों नहीं है? ये कानून मस्जिदों पे क्यों नहीं है? ये कानून चर्चों पे क्यों नहीं है? सिर्फ मंदिरों के लिए ये जजिया कर। आज का ये सम्मेलन निश्चित ही राष्ट्र के जागरण का है। ये आज का सम्मेलन हिंदुत्व के आत्मा के जागरण का है। अगर आज न जगे, केवल ये कहते रहे कि हमारा क्या, हम तो बड़े समन्वयवादी हैं, 2 BHK का लोखंडवाला में बंगला है, हम अपना जिंदगी जी रहे हैं, बेकार में ये हिंदुवादी चिल्ला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि थोड़े दिनों के बाद
इस देश में भी हमारे रहने का जगह नहीं मिलेगा। आज जैसे साधुओं के लिए जगह नहीं है, लोग कहते हैं साधु कहाँ रहे, जंगलों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने साधुओं को हटा दिया, कुटिया कहीं बना सकते नहीं, साधु जाए कहाँ। तो जैसे जंगल से साधु समाप्त किए जा रहे हैं, वैसे ही भारत से हिंदू समाप्त हो जाएंगे अगर न जागे तो। आज के जागरण का ये उद्घोष इसी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री को जिन्होंने ये आह्वान किया है, और आप सबको कि जागो, जगो विवेकानंद विवेकी भारत का हरजन हो, जगो शंकराचार्य सनातन संस्कृति का जीवन हो। भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम।